Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I will show you how to connect OTG device. दोस्तों इस डिवाइस में पेन ड्राइव, एक्सटर्नल स्टोरेज, कीबोर्ड और माउस वगैरह कनेक्ट कैसे करेंगे? अगर कोई भी OTG डिवाइस कनेक्ट करने में दिक्कत हो रहा है तो उसका भी सोल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। नंबर वन, पेन ड्राइव। दोस्तों सबसे पहले हम आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करके दिखाएंगे। आजकल मार्केट में कई तरह के पेन ड्राइव देखने को मिलते हैं। अगर आपके पेन ड्राइव में टाइप सी पोर्ट है तो बहुत आसानी से फोन की चार्जिंग पोर्ट से इस पेन ड्राइव को कनेक्ट कर पाएंगे। अगर पेन ड्राइव में टाइप ए पोर्ट है तब इसको कनेक्ट करने के लिए टाइप सी टू टाइप ए पोर्ट वाला एडाप्टर चाहिए, जिसका बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। दोस्तों कोई भी डिवाइस कनेक्ट करने से पहले इस फोन में OTG ऑप्शन को ऑन करना होगा। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे फाइंड करेंगे OTG। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन आया है इस पर क्लिक करते ही आप सीधा OTG सेटिंग्स पर चले जाएंगे। अब OTG फीचर्स को टर्न ऑन कर दीजिए। इसके बाद आप कोई भी OTG डिवाइस अपने फ़ोन में कनेक्ट कर पाएंगे। पेन ड्राइव कनेक्ट करने के बाद रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा समय लेगा। वो डिपेंड करता है पेन ड्राइव स्टोरेज कितना भरा हुआ है उसके ऊपर। जब पेन ड्राइव सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा या ऊपर में नोटिफिकेशन आएगा एक्सप्लोर एंड इजेक्ट। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है या पेन ड्राइव में कोई एरर दिख रहा है तो उसका सोल्यूशन हम थोड़ी देर में बताएंगे। पेन ड्राइव का फाइल एक्सेस करने के लिए फाइल मैनेजर ओपन कीजिए। इसके बाद स्टोरेज पर क्लिक करते ही पेन ड्राइव देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप पेन ड्राइव का सारे फाइल एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप SSD और हार्ड ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें, कोई भी स्टोरेज इस डिवाइस से डिसकनेक्ट करने से पहले ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल ओपन करके यहाँ से इजेक्ट करना होगा, नहीं तो पेन ड्राइव के अंदर जो डेटा है वो खराब हो सकते हैं। अगर यहाँ पे इजेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फोन सेटिंग्स में जाइए, अबाउट फोन में जाइए, फिर स्टोरेज पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नीचे की ओर जाके अनमाउंट USB डिवाइस पर क्लिक करना होगा, फिर आपका पेन ड्राइव सेफली इस डिवाइस से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों अगर पेन ड्राइव लगाने के बाद कुछ एरर आता है या पेन ड्राइव शो नहीं करता है तो उसको लगा के अपना फ़ोन रिस्टार्ट कीजिए। साइड में जो पावर बटन दी गई है उसे दबाए रखना है, फिर यहाँ से अपना फ़ोन रिबूट कर लीजिए। इसके बाद आपका पेन ड्राइव कनेक्ट हो जाएगा। नंबर टू, कनेक्ट टू लैपटॉप। जब अपना फ़ोन को डेटा केबल के जरिए लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करेंगे या नोटिफिकेशन बार में एक ऑप्शन दिखाई देगा चार्जिंग दिस डिवाइस वाया USB, इस पर क्लिक करके फाइल ट्रांसफर सेट करना होगा। फिर फोन के अंदर जितने सारे फाइल है वो लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाई देगा। नंबर थ्री, एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस। दोस्तों इस मोबाइल में आप एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस लगा के चला सकते हैं। कीबोर्ड और माउस का इनपुट केबल ए टाइप का होता है। दोनों इनपुट केबल एक साथ कनेक्ट करने के लिए आपको USB टाइप सी हब मल्टीपोर्ट एडाप्टर लेना पड़ेगा। मेरे पास पोटोनिक का वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड सेट है, इसका एक ही रिसीवर है। इस रिसीवर को एडाप्टर के साथ कनेक्ट करके जैसे ही हम फोन पर लगाएंगे वो अपने आप चालू हो जाएगा। कीबोर्ड और माउस चलाने के लिए कोई भी सेटिंग्स या ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है। फ़ोन को बिना टच किए हम कोई भी ऐप ओपन कर सकते हैं, कोई भी सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड में हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो डिस्प्ले में दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप चार्जिंग पोर्ट में कोई भी OTG डिवाइस कनेक्ट करके चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।